लोकसभा उपचुनाव के लिए नामांकन के अंतिम दिन आज आजमगढ़ कलेक्ट्रेट परिसर में काफी गहमागहमी है। भाजपा के प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ ने नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया। वहीं सपा उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव भी नामांकन के लिए पहुंच चुके हैं। गौरतलब हो कि दिनेश लाल यादव के नामांकन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत कई भाजपा नेता मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि निरहुआ के नामांकन में भोजपुरी सितारों का जमघट लगने वाला है और एक बड़े रोड शो की तैयारी है। फिलहाल कलेक्ट्रेट क्षेत्र में काफी गहमागहमी है। सपा और भाजपा के समर्थक अपने अपने नेता के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। वहीं सुरक्षा की भी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। सुनिए नामांकन के बाद क्या बोले निरहुआ। खातिर कभी धर्म खातिर जी अलग अलग विचारधारा खातिर आप लोग बहुत बार वोट कही जी। ए बार एगो अच्छा मौका मिलल बा हमनी के, काहे कि उपचुनाव है और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बा, राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बा। जैसे आप लोग सबके मौका दे दी, एक मौका हमरों के दी। अगर हम दो साल में आप खातिर के आजमगढ़ खातिर के बाकी लोग से अच्छा ना करब तो बदल दिया लो, काहे कि आप लोग के फिर दो साल बाद चुनाव मिले वाला। और ये आजमगढ़ के जनता मूड बना ले कि अब थोड़ा आजमगढ़ खातिर के सोचल जाए और आजमगढ़ में भी कमल खिलावल जाए। किस आधार पर कह रहे हैं कि बसपा से टक्कर है, सपा से नहीं है? अगर सामाजिक का आप यहाँ का जो समीकरण है वो देखें तो सामाजिक समीकरण के हिसाब से बसपा के जो कैंडिडेट है वो गुड्डू जमाली जी है, तो वो आप आंकड़ा समझ सकते हैं कि जो समाजवादी पार्टी का एक बड़ा वोट है वो उधर शिफ्ट हो रहा है। लेकिन सामाजिक समीकरण की सर आप बात कर रहे हैं तो यहाँ पर MY फैक्टर काफी हावी है और वो 2022 विधानसभा में सपा को वोट गया था, तो 21 आधार पर आप बोल रहे हैं सर? इस बार जो है उसमें जी इस बार बहुत एक बड़ी बात हुई है जी कि सभी जो यादव और मुसलमान भी जी नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की नीतियों की वजह से काफी लोग जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, तो उसका लाभ जो है।